सो व्हाट्सअप यूट्यूब दिस इज योर तमाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो ये वीडियो है ये मैं पिछले साल ही बनाने वाला था बट कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। खैर ये वीडियो आप लोगों के लिए है और सबसे पहले आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। जो इंडिया में देख रहे हैं उनके लिए इंडिया में, जो बाहर देख रहे हैं उनको बाहर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब जो नवरात्र है उसमें आप 9 दिन का फास्ट रखते हैं। अब नवरात्र किस लिए होता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। वैसे काशवाइज मैं पंडित हूँ बट वो चीज़ें मेरे अंडर नहीं आती हैं। तो जो 9 दिन है जो आप फास्टिंग करते हो उससे कुछ मैं इम्पोर्टेंस बता दूँ। और कोशिश क्या करो, आप अपने डेली रूटीन पे मंथ में 3 से 4 दिन आप ज़रूर फास्टिंग क्या करो। कोई भी वीक डे में चुन लो, मंडे को आप फास्टिंग रखो। फास्टिंग करने से आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स भी हो जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। और उस दौरान आप अगर आप डाइट अच्छी रखते हो तो आपका वज़न भी कम हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है मतलब वज़न कम करने में। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 9 दिन का कस्टमाइज डाइट प्लान बना के आपसे आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा ताकि आप अपना वज़न भी कम कर लो, साथ में आपका पूरा फास्टिंग भी अच्छे से हो जाए। तो आपको यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलेगा। आपको पुण्य तो मिल ही रहा है, आप नवरात का व्रत रख रहे हो या रख रही हो, साथ में अपना वज़न भी कम कर लोगे विथ हेल्प ऑफ दिस डाइट चार्ट। तो सीधा बात करते हैं टॉपिक पे जो कि हमारा डाइट चार्ट है। डाइट चार्ट आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जिनको विजिबल ना हो आप कॉपी पेन ले लो, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लो। अगर सिर्फ कॉपी चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM करके यानी डायरेक्ट मैसेज भेज के आप ये डाइट चार्ट अपने फ़ोन में भी ले सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास है, जो भी आप लेना चाहो, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस नवरात्र की डाइट चार्ट के बारे में। तो मैंने इसकी कॉपी पे फोन रख लिया है, आप यहीं से पढ़ के मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बेसिकली जो हमारा डाइट प्लान है वो कस्टमाइज है लगभग 1180 कैलोरीज, ऑलमोस्ट मैंने 1200 कैलोरीज मान के रखा है इस पूरे 9 दिन का जो डाइट चार्ट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो हम सुबह उठेंगे उठते ही ब्रश करने के बाद हम गर्म पानी में यानी कि वार्म वाटर में आधा नींबू पूरा निचोड़ के उसको पी जाएंगे ताकि आपकी बॉडी सुबह सुबह अंदर से डिटॉक्स पूरी तरीके से हो जाए। जिनको नींबू सूट नहीं करता है, एसिडिटी बनती है, इन दैट सिचुएशन आप कोशिश करो केवल गर्म पानी पियोगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उठते ही आपने लेमन वाटर वार्म वाटर में आपने पी लिया, ये था आपका पहला मॉर्निंग के बाद। अब शुरुआत होता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। अगर अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी और थोड़ा सा हैवी लोगे तो आपको दिन भर की एनर्जी मिलेगी और आप अंदर से थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे। लो फील आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। व्रत में हम लोग कम खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा भी खाते हैं। जो लोग फूड्स पर रह जाते हैं, सैलड पर रह जाते हैं, उनको वीकनेस होता है। अब वो वीकनेस आने वाले समय में बढ़ जाता है, फिर आपको पिंपल, एक्ने, हेयर फॉल, ये सारे सिचुएशन आती हैं। तो यहाँ पर बहुत हेल्दी वे में हम लोग इसको यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने डाइट चार्ट कस्टमाइज़ किया है। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग एक बनाना शेक प्लस उसमें चिया सीड्स मिलाएंगे, साथ में 2 आलमंड और लो फैट मिल्क आप मार्केट से ले सकते हो। अगर मार्केट से नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप घर का जो दूध है उसको आप उबालो, उसकी मलाई 2 बार निकालते, यानी कि 2 बार उबाल के दोनों बार मलाई निकाल के, और इतना इतना मतलब इतना ही लेना है आपको। जितना आप चाय पीते हो, चाय वाला पीना नहीं चाहिए, अगर आप पीते हो उतना दूध और थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको ये शेक ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेना है। तो शेक लेने से आपका जो बॉडी है, जो क्रेविंग लगती है, भूख लगती है बार बार, वो तो क्रिएट नहीं होगी और आप फुल महसूस करोगे लगभग 3-4 घंटे के लिए फ्री हो जाओगे और आपके अंदर कार्ब्स भी चल जा रहा है, फैट भी चल जा रहा है, प्रोटीन भी चल जा रहा है, तो पूरा मैक्रोज आपके यहाँ से बन जा रहा है। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट जो आप 9-10 के बीच में आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना बोलोगे। अब जो हमारा मिड मॉर्निंग होगा 11, 12 या 1 के बीच में, वहाँ पे हम लोग लेमन वाटर साथ में 1 बड़ा बाउल फ्रूट सैलड प्लस कोकोनट वाटर उसमें ऐड करेंगे। मतलब फ्रूट सैलड बने उसको आपको अलग से आप लोगे। तो फ्रूट सैलड का ध्यान रखना, जो भी आप फ्रूट्स लेना वो सिट्रस फ्रूट्स हों यानी कि बेरीज वाले फ्रूट हों जिसमें जूस होता है। आप अवॉइड करना यहाँ पे एप्पल ऐड करने का और यहाँ पे मैंगो ऐड करने का, यहाँ पे बनाना ऐड करना नहीं है, ये तीनों चीज़ आपको नहीं ऐड करना क्योंकि हम लोगों ने बनाना स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया है, ले लिया है, उतने ही आपको कार्ब्स के
रिक्वायरमेंट है। बाकी आप चाहो तो ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस, कीवीज, ये सारे आप चीजें ले सकते हो। साथ में आप लेमन वाटर पहले ले लोगे, उसके 15 मिनट बाद आप फ्रूट सैलेड लोगे, उसके 5-10 मिनट बाद आप चाहो तो कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो। अगर आपको दिन भर लो फील होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, उस कंडीशन में आपके लिए कोकोनट वाटर है। आप वैसे भी ले सकते हो कोकोनट वाटर, अगर आप लो फील नहीं करते वो भी हेल्दी है। आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करने में कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। और ये एक ऐसा ड्रिंक है कोकोनट वाटर जिसपे आप कोई बंदा इसमें मिलावट नहीं कर सकता है, तो ये आपके लिए हेल्दी साइड है, आप इसको ले सकते हो। तो ये था हमारा मिड मॉर्निंग का स्नैक। अब बात करते हैं जो हम लोग लंच में लेंगे। यहाँ पे हम लोग बेक्ड साबूदाना की टिक्की बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल घी या फिर कोकोनट ऑयल ही यूज करेंगे। बहुत नॉमिनल सा, बहुत थोड़ा सा। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन बिना आप घी के बना लोगे तो और आपके लिए हेल्दी, आपके लिए और बेस्ट है। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट मॉडरेट वे में कर लेना जो आपको अच्छा लगे। तो साबूदाना की टिक्की प्लस वेजीज डालेंगे। अब वेजीज में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कुछ लोग वेजीज नहीं खाते हैं, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर वेजीज ही खाते हैं। तो जो भी आप खाते हो वो वेजीज इसमें ऐड कर लेना, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप अपने फास्टिंग पीरियड पे आप यूज करते हो। ध्यान रखना वेजीज के ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल नहीं करेंगे। किसी भी खाने में हम लोग नमक ऊपर से बिल्कुल भी नहीं छिड़केंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा योगर्ट यानी कि दही। दही होगा आपका लो फैट मिल्क का बना हुआ। अगर नहीं मिलता है लो फैट मिल्क दही तो आप घर का बना के वो भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्दी है। साथ में दही में शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। इस पूरे डाइट में हम लोगों ने शुगर बिल्कुल भी कहीं नहीं लेना है। तो बाद में कमेंट मत करिएगा सर चीनी डाल लें, शुगर डाल लें, जैगरी डाल लें, डेढ़ शुगर डाले, बिल्कुल भी नहीं। शुगर इंटेक नहीं करेंगे पूरे 9 दिन हम लोग, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जैसे तो खा लोगे उसके बाद अपना डाइट यानी कि लंच एंड करना है आपको 1 कप ग्रीन टी से, ये आपको एंड करना है अपने लंच को। अब इवनिंग में बात आती है कि इवनिंग में क्या खाया जाए। फिर से आपको 4-5 के बीच में भूख लगेगी, यहाँ पे हम लोग ग्रीन टी लेंगे फिर से प्लस बेक्ड नमकीन या फिर रोस्टेड चना ले सकते हो, चाहे आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो। इनमें से कोई आपको एक लेना है, दोनों नहीं केवल एक। अगर पॉकेट में आप रोस्टेड चना रख के दिन भर खाओ वो आपके लिए हेल्दी है, उससे भी वेट लॉस होता है। तो ये ध्यान रखना सॉल्टी चना ना हो, रॉ चना हो जिसको आप हल्का सा भून दो, वही आपके लिए बेस्ट साइट है। ऊपर से सॉल्ट किया हुआ चना या मखाना आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जैसे अपना इवनिंग स्नैक लोगे खाने के बाद, कुछ हो जाए, हर चीज़ हो जाए, उसके 10 मिनट बाद फिर से आपको एक ग्रीन टी ऐड करनी है। ग्रीन टी अगर नहीं लेते हो तो आप हर्बल ड्रिंक अपने घर पे इसमें तुलसी, इसमें काली मिर्च, इसमें अदरक डाल के हम लोग पीते हैं, वो भी नॉर्मल कड़ा जैसा, वो भी आप ले सकते हो, वो भी आपके अल्टरनेटिव है अगर आप ग्रीन टी अपने फास्टिंग पीरियड पर नहीं पीना चाहते हो तो। अब ये हमारा हो गया इवनिंग स्नैक। अब आते हैं रात का मील। रात के मील में हम लोग लेंगे यानी कि डिनर में 1 बाउल सैलेड, बड़ा बाउल सैलेड लेना है आपको। साथ में हम लोग 1 बाउल वेजिटेबल्स लेंगे, वो भी वेजिटेबल जो भी सीजनल हो, जो भी अपने फास्टिंग पीरियड में आप लेते हो। दोनों को मिक्स नहीं करना है, पहले सैलेड खा लो, पेट पूरा भर जाए, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स की तरफ आप शिफ्ट होगे, खाना खाना शुरू करोगे। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है कि आपसे ये फॉलो ना हो सके। इसकी पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं मिल पा रहा है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके वहां से भी ले सकते हो अगर यहाँ क्लियर नहीं है, नहीं तो वीडियो फिर से प्ले करो जो मैं बोल रहा हूँ, आपको पेन पेपर पे नोट कर लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैसे भी करके आपको ये फॉलो करना है पूरे 9 दिन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सर कितना वजन कम हो जाएगा, कब तक रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, आप कितना मील खा रहे हो, इससे पहले आप वर्कआउट करते थे या नहीं करते थे, इससे पहले आपकी मील कितनी बड़ी थी। तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका वेट लॉस होना। किसी का मे बी 2-3 किलो हो जाए, किसी का ना हो, किसी का ज़्यादा हो जाए, किसी का कम हो, ये डिपेंड करता है आपकी पहले की एक्टिविटी कैसी रही है। दैट सेट द गोल ऑफ योर वेट लॉस जर्नी ड्यूरिंग नवरात्रि, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं एक टिप और देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले फोन रख दो उधर।
जो कि है, जब भी आप अपने मील लोगे सुबह से लेकर रात तक, हर मील के पहले आपको एक ग्लास गर्म यानी कि वार्म वाटर पी के तभी आपको अपना मील लेना है, ये आप ध्यान रखिए। जो भी कुछ भी खाएं, चाहे आप मखाना खाएं, चाहे रोस्टेड चना खाएं, चाहे आप साबूदाना की टिक्की खाएं, उससे 10 मिनट पहले आपको एक बड़ा ग्लास पानी पी के तभी अपने मील की तरफ शिफ्ट होना है, खाना शुरू करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मील अपने खा लो उसके लगभग 30 मिनट्स के बाद ही बेड पर लेट नहीं जाना। हम लोग की आदत है ऐसे खाना खासकर बेड पे लेट गए, फिर टीवी का रिमोट, फिर बदल रहे हैं, तो ये सीन क्रिएट नहीं करना है बिल्कुल भी अपने साथ। तो कोशिश करना है इस नवरात्र में अपना वजन आप कुछ हद तक तो कम कर लोगे, और एक ऐसा रूल बनाओ अपने डेली रूटीन में मंथ में कि मुझे लगभग 4 से 6 दिन तो मुझे फास्टिंग करनी ही करनी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। तो अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट आप जरूर करो कैसे भी करके। तो ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग नवरात्र डाइट प्लान। आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा ताकि नवरात्र में वो लोग भी अपना वजन कम कर सकें। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। मन में कोई गिला शिकवा हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई पर्सनल सवाल तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके वहाँ पर पूछ लेना, और मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आपको करना होगा। जिनके पास इंस्टा हैंडल नहीं है वो मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस योग रतम योर फ्रेंड योर कलीग, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय।